अब तब्दीली के लिए, तब्दीली की गवर्नमेंट है, निज़ाम तालीम में बेहतरी के लिए क्या प्लानिंग की जा रही है, क्या इकदाम किए जाएंगे? हमने अपनी जो कंप्लीट प्लानिंग है वो अपने 100 डेज में जो हमारा टास्क था वो यही था कि ब्लूप्रिंट हम बना के और एग्जैक्टली 5 साल में जो डायरेक्शन होगी उसको वाजे करें। अब उसमें जो कुछ हमने किया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है दैट इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी, और आपके जो क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं वो बड़े क्लियरली डिफाइंड हैं। आपकी जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स होती हैं, चाहे वो टाइम्स रैंकिंग हो या QS रैंकिंग हो, वो कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स के अगेंस्ट आपकी यूनिवर्सिटी को मेजर करती हैं उसके मुख्तलिफ, और वो अवेलेबल हैं आपके पास। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले इस पर बिल्कुल यहाँ पे पंजाब में तो एटलीस्ट काम नहीं हुआ। हमने PHEC में कमेटी बनाई जो कि 3 महीने में उन तमाम पैरामीटर्स के अगेंस्ट हमारी लोकल यूनिवर्सिटीज़ तमाम को जज करेगी और फिर उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए एक प्लान तैयार करके देगी कि किस तरह इनको ऊपर लेके जाना। और बेसिकली हम पाकिस्तान या पंजाब की रैंकिंग उन्हीं पैरामीटर्स के अगेंस्ट करेंगे जहाँ पे इंटरनेशनली जिनके अगेंस्ट किया जाता है, और एक VC की जो परफॉर्मेंस है वो उससे ही उसके साथ उसको जजमेंट का एक बड़ा ट्रांसपेरेंट सा तरीका हमारे पास आ जाएगा अगर हम ये इसको फॉलो करें। इसी तरह आप फॉर्चुनेटली हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वाइस चांसलर्स बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के नहीं लगे हुए थे और अभी दिसंबर में और भी बहुत से रिटायर हो गए, तो ये हमारे लिए हम इसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि जो उनको हेड कर रहे हों लोग वो बिल्कुल टॉप क्लास हों। और क्योंकि उन एक दफ़ा जब वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट हो जाती है तो फिर आप कुछ ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकते उनके मामलों में।